हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्रियोन पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम। जी दोस्तों, यह नियम आपकी क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस नियम को मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कोलराउस का नियम है क्या? दोस्तों तो यह नियम दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघटों की अनंत तन्यता पर उनकी मौलिक चालकताओं या आणविक चालकताओं को निर्धारण करता है। दोस्तों यानी कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कोलराउस का नियम दोस्तों कब दिया गया था? तो कोलराउस ने सन 1975 ईस्वी में इस नियम को दिया था। यह नियम क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कोलराउस का नियम है क्या? तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर, यानी दोस्तों कोई विद्युत अपघट्य है तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब दोस्तों विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो विद्युत अपघट्य ऐसा पदार्थ होता है जो अपने धनायन तथा ऋणायन आयनों में विभक्त हो जाता है। यानी दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए यह कोई पात्र है आपका, इस पर क्या भरा है? विद्युत अपघट्य है। इसमें विद्युत अपघट्य भरा है। मान लीजिए कि NaCl है, NaCl का विद्युत अपघट्य। अब दोस्तों इसे हम अगर अलग करें तो Na प्लस और Cl क्या माइनस, तो ये दोस्तों धनायन और ऋणायनों में विभक्त हो गया, तो यही क्या है दोस्तों विद्युत अपघट्य है। या तो आप KCl ले लीजिए, यानी कि दोस्तों ऐसा विद्युत अपघट्य होता है जो धनायन और ऋणायन अलग अलग चार्ज में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यही क्या होता है विद्युत अपघट्य होता है। अब दोस्तों मान लीजिए एक मोल विद्युत अपघट्य है तो क्या बोलेंगे? एक मोल अगर विद्युत अपघट्य है तो उसे बोलते हैं मोलर चालकता। यानी दोस्तों मोलर चालकता को एक मोल विद्युत अपघट जब होगा तो उसमें जो धनायन और ऋणायन चार्ज होंगे उसमें मोलर चालकता बोलेंगे, और वहीं पर अगर दोस्तों एक ग्राम तुल्यांक होगा जैसे विद्युत अपघट तो वहां आणविक चालकता या मोलर चालकता होगी। तो दोस्तों ये क्या है? किसी विद्युत अपघट की अनंतता पर मोलर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसा कि इस फार्मूले में आप देखिए यहां पर ये क्या है, ये हम क्या दोस्तों मोलर चालकता, इसे दोस्तों कप्पा बोलते हैं या लैम्डा, और ये लैम्डा है और ये लैम्डा, यानी दोस्तों डिफरेंस इनमें होता है तो इसे कप्पा आप बोलिए। तो इसमें अनंत ये क्या है? अनंत तन्यता है, यानी अनंत इनफाइनाइट का चिन्ह है, और ये आपका मोलर चालकता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये क्या है, मोलर चालकता पॉजिटिव यानी धनात्मक है, और यहां पर दोस्तों आप देखिए ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक मोलर चालकताओं का योग ही क्या है दोस्तों कोलराउस का नियम प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है विद्युत अपघट्य की धनात्मक और ऋणात्मक मोलर चालकताओं का योग अनंत तन्यता पर, दोस्तों क्या अनंत तन्यता पर, तो ये अनंत और इनफाइनाइट के चिन्ह हो गए। तो यहाँ पर यक्ष क्या है दोस्तों, यक्ष क्या है धनायन और ऋणायन जो कि ये NaCl जैसे हो गया, Na हो गया, Cl हो गया, तो ये इनकी मात्रा है दोस्तों x और y यहाँ पर जैसे लिखा गया है, तो x y क्या है दोस्तों मात्रा है। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसके संगठन धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आगे आपको क्या करना है दोस्तों, आगे आपको करना है जिसमें यहाँ पर जो इसमें दर्शाया गया वही लिखा है, जिसमें दोस्तों अनंत जो है लैम्डा अनंत एम प्लस और दोस्तों लैम्डा एम माइनस, यहाँ पर दोस्तों इनफाइनाइट यहाँ पर लगा लीजिए, क्रमशः धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताएं हैं, तथा दोस्तों यक्ष जो है दोस्तों ये पॉजिटिव यक्ष और वाई जो है ये नेगेटिव है, तो विद्युत अपघट्य की प्रति फार्मूला इकाई में धनायन और ऋणायन की संख्याएं हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो Na है और ये Cl है, तो x की जगह पर हम मान सकते हैं कि Na है और y की जगह पर हम मान सकते हैं Cl है, क्योंकि दोस्तों ये नेगेटिव है माइनस है और ये क्या है पॉजिटिव है धनात्मक है। तो इस प्रकार से x y क्या है दोस्तों विद्युत अपघट्य के प्रति फार्मूला इकाई की धनायन और ऋणायन की संख्याएं हैं। तो विद्युत अपघट्य में इसी में और एक प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं तो कोलराउस के नियम की, तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांक चालकता यानी तुल्यांक चालकता उसकी आयनिक चालकताओं के योग फल के दोस्तों क्या होती है बराबर होती है। तरीका दोस्तों वही है,
किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर तुल्यांकी चालकता उसकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। कि तुल्यांकी चालकता यह हो गई आपकी और अनंतता है दोस्तों, तो अनंतता तो वैसे इनफाइनाइट है। आयनिक चालकता यानी कि पॉजिटिव हो गया एक्स हो गया और वाई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के योगफल के बराबर होती है। तो कोलराउस का नियम इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब चलिए दोस्तों इसके एक अनुप्रयोग हम देखते हैं, अनुप्रयोग से दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपका आता है कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। तो इसका अनुप्रयोग यानी कि इसका उपयोग क्या है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के, दोस्तों प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, तो उसमें से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर, यानी तनुता क्या है, अनंत तनुता पर ही है, पर तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण इस नियम के अनुसार किया जाता है। यानी दोस्तों इस नियम के अनुसार तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता का निर्धारण किया जाता है, किसकी, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की। तो इस नियम के उपयोग से दोस्तों मैं बहुत ही आसान भाषा में लिखा हूं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों में धनायन और ऋणायनों की चालकताओं के मानों के गणितीय रूप में ज्ञात कर सकते हैं या उनके योग के बराबर होती है। जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देखिए ये क्या है, अनंत तनुता पर है और ये क्या है दोस्तों, एसटी CH3COOH हम यहां पर लेंगे एसटी कम। तो यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर ये दो क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है HCl NaCl और ये एक हम लेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यानी कि दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांक चालकता उनकी आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों के धनायन और ऋणायनों की चालकताओं के मानों के गणितीय रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात देखिए यहां पर हम इसे कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले इसको विभक्त करना है, जैसे HCl है CH3COOH है इसको और NaCl को, इन्हें आपको डिवाइड करना है, दो इसमें प्रबल विद्युत अपघट और एक है दुर्बल विद्युत अपघट। अब इनको हमें तरीके से सॉल्व करके हमें ये इधर का लाना है CH3COOH, तो कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको करना क्या है, देखिए यहां पर आपको इतना यहां पर लिखा रहने देना, हम यहां से लिए लगाते हैं बराबर। अब यहां पर देखिए आप दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट एच क्या दोस्तों, प्लस, क्योंकि एच सी एल है ना, तो इसमें एच प्लस आयन है और प्लस दोस्तों इसी में लैम्डा इनफाइनाइट सी एल क्या दोस्तों, रीड है, तो सी एल माइनस। अब इसे हम जब इसी प्रकार से विभक्त करेंगे तो प्लस लैम्डा इनफाइनाइट और CH3COOH ये क्या दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव है यानी ऋण है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट दोस्तों और ये क्या दोस्तों, Na प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस ये हो गए, इतना हम विभक्त कर लिए। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों यहां पर काफी लोग गलतियां करते हैं, ये चिन्ह यहां पर क्या है दोस्तों, माइनस है और यहां पर तो दोस्तों प्लस था, तो माइनस है तो हम यहां पर माइनस करेंगे इस प्रकार से। अब जब इसे हम विभक्त करेंगे यहां पर, तो देखिएगा हम यहां पर इसे विभक्त करेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट और Na प्लस में होगा दोस्तों, Na प्लस होगा और चलिए मैं यहां पर कर देता हूं Na प्लस और ये भी दोस्तों क्या है, प्लस में होगा, लेकिन ये वाला माइनस इसे ब्रैकेट में जब जाएगा यहां पर, अगर हम यहां पर प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों का योग है, अब ये माइनस यहां पर जाएगा तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस में बदल देगा, तो हम इसलिए यहां पर माइनस लैम्डा इनफाइनाइट सी एल माइनस करेंगे। समझ में आ गए दोस्तों आपके, यानी कि ये ब्रैकेट में है दोस्तों और ये चिन्ह मान लेते हैं प्लस है, अब ये वाला माइनस इसे माइनस कर देगा। अब देखिएगा दोस्तों इसमें दोस्तों एन ए प्लस का है तो ये प्लस है और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे। इसी प्रकार से सी एल ये माइनस का है और सी एल क्या है, प्लस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों बचा क्या हमारा, हमारा यहां पर बच रहा है लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस है दोस्तों और इसी में प्लस का बच रहा है लैम्डा CH3COOH। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों माइनस और प्लस है तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि दोस्तों इन्हें हम अगर जोड़ें तो ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो इसको जोड़कर हम यहां पर ला सकते हैं लैम्डा
यम क्या मोलर चालकता है, यह तो आप इसे लिख सकते हैं सी एच थ्री और सी डबल ओ। अब ये क्या है, यहां पर जुड़ जाएगा। तो यही दोस्तों आप यहां पर देखिए, जो हमें यहां पर निकालना था ये सी एच थ्री सी डबल ओ एच, वही इनको सॉल्व करके हमारे यहां पर आ गया, अर्थात दो प्रबल विद्युत अपघट और एक दुर्बल विद्युत अपघट का हम सॉल्व करके यही हम यहां पर ला पाए हैं। तो यही क्या होता है दोस्तों, कोलरस नियम का अनुप्रयोग है, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघटनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकताओं का योग ही होता है कोलरस का नियम। तो यही था दोस्तों आपका फर्स्ट अनुप्रयोग। सो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।